हेलो इंजीनियर्स, आप लोग जो मेरे सामने ये इंस्ट्रूमेंट देख रहे हैं, ये इस इंस्ट्रूमेंट से हम लोगों को वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल और डायगोनल तीनों डायरेक्शन पे हम लोगों को एक लेवल पता चल जाता है। तो इसमें से ये जो बबल आप देख रहे हैं, ये जो इंस्ट्रूमेंट होता है वो मैग्नेटिक होता है। तो अभी हम लोग यहाँ पे वर्टिकल लेवल चेक करें, तो वर्टिकल लेवल के लिए ये जो फर्स्ट वाला आप जो बबल देख रहे हैं यहाँ पे, देखिए ये सेंटर पे आया, मतलब ये वर्टिकल लेवल पे प्रॉपर है। ओके, अब हम लोग हॉरिजॉन्टल की चेकिंग करते हैं। अभी मैंने इसको हॉरिजॉन्टल पोर्शन पे रखा हुआ है, तो यहाँ पे देखिए ये सेंटर पे है बबल, आपको दिखा देता हूँ, ये बबल सेंटर पे है। तो देखिए ये हॉरिजॉन्टल पे भी प्रॉपर आ रहा है। तो ये ऐसी चेकिंग की जाती है, कोई भी पार्ट की चेकिंग करना है तो हम लोग को इस इंस्ट्रूमेंट से हम लोग चेकिंग करते हैं। अब मैं डायगोनल पे चेकिंग करता हूँ। देखिए ये डायगोनल पोर्शन है, यहाँ पे क्रॉस ब्रशिंग जो जा रहा है, तो डायगोनल पोर्शन के लिए हम लोग इंस्ट्रूमेंट को डायगोनल पोर्शन पे रखा हुआ है। तो ये देखिए डायगोनल पार्ट्स में यहाँ पे बबल जो है वो थोड़ा सा इरर दिखा रहा है। ठीक है, इरर मतलब यहाँ पे अलाइनमेंट प्रॉपर नहीं है। ओके, ये फिटिंग नहीं है, तो मैं आपको थोड़ा सा अरेंज करके दिखाता हूँ। तो देखिए सेंटर पे आने के बाद चेकिंग फिक्स हो जाती है। तो आप डायगोनल पोर्शन में देख सकते हैं कि फिक्स होने के बाद में एक ऐसा अरेंज किया जाता है।